नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा चिन्ह और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। चांदपुर के रामलला ग्राउंड से शकुंतला इंटर कॉलेज में कक्षा 12 की पढ़ने वाली छात्रा आलिया परवीन ने बताया कि आज सुबह स्कूल से हमें बुलाने के लिए फ़ोन कॉल आया। जब हम छात्राएं स्कूल पहुंची तो स्कूल प्रधानाचार्य पूनम अग्रवाल ने हमारे साथ पक्षपात करते हुए हमें स्कूल अध्यापिका शालिनी के साथ मिलकर बहुत मारा और छात्राओं ने स्कूल प्रधानाचार्य अध्यापिका के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र थाना चांदपुर को सौंपा। प्रार्थना पत्र में छात्र मुस्कान परवीन व अन्य छात्राओं ने आरोप लगाया कि प्रार्थनी के साथ समीक्षा साक्षी परवीन, आलिया परवीन, नाजीश परवीन, समर हसन, कैशव परवीन, दानिया आदि हम सब छात्राएं एक साथ शकुंतला इंटर कॉलेज में कक्षा 12 में पढ़ते हैं। आज हम सब छात्राओं के साथ शालिनी मैडम व पूनम अग्रवाल ने बुलाकर स्कूल में लाठी डंडे से पिटाई की, हमें फेल तक करने की धमकी दी। तहरीर में आरोप लगाया गया कि स्कूल प्रधानाचार्य व स्टाफ हमें पक्षपात की नज़रों से देखते हैं। लोगों ने हमारा गला घोटकर जान से मारने की कोशिश की। वहीं जब इस बारे में स्कूल प्रधानाचार्य पूनम अग्रवाल से बात की गई तो उनका कहना था कि हमने छात्राओं को एक प्रतियोगिता के फॉर्म भरने के लिए दिए थे जो आज जमा किए जाने थे। तो वहीं आपको बताते चले, फॉर्म आज जमा किए जाने थे, छात्राएं कॉलेज नहीं आई थी। हमने छात्राओं को फ़ोन करके स्कूल में उपस्थित होने को कहा था। ये छात्राएं बिना यूनिफॉर्म के और स्कूल के समय के अनुसार देर से आई थी, जिसके लिए हमने उन्हें स्कूल प्रांगण में खड़े रहने की सजा दी थी, जिसको लेकर इन्होंने बिना बात के हंगामा किया। और उधर स्कूल में हुई छात्राओं के साथ मारपीट की घटना का जब अभिभावकों को पता लगा तो वे छात्राओं को लेकर थाना चांदपुर प्रभारी से नोकझोंक करते भी नजर आए। और आपको बता दें, वहां पर कोतवाली में भी भीड़ जमा हो गई। पक्षपात को लेकर कुछ लोग तूल दे रहे हैं, ये सिर्फ छात्राओं को टीचरों द्वारा पीटने का मामला है, इसमें पक्षपात की बात गलत है, जिसके लिए जांच कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उधर प्रधानाचार्य ने भी छात्राओं के विरुद्ध थाना चांदपुर में तहरीर सौंप दी है। पूनम रानी। अच्छा मैम, आप शायद प्रिंसिपल है शकुंतला इंटर कॉलेज। अच्छा, आज कुछ हंगामा हुआ लड़कियों को लेकर के, क्या मामला था ये? कुछ नहीं, बस बच्चों कल एक फॉर्म दिया गया था, विवेक कॉलेज से आया था वो टैलेंट हंट वाला, तो क्लास टीचर के द्वारा दिया गया था। उन्होंने ये कहा था कि कल आपको सबमिट करना है लाकर भरकर, लेकिन वो बच्चे आए नहीं, वो लेट आए थोड़ा, और यूनिफॉर्म में भी नहीं थे, तो इसलिए उन्हें थोड़ा डांटा और बाहर खड़ा, ये ऑफिस के बाहर खड़ा किया बस, और उसके बाद और कुछ नहीं हुआ। बच्चों ने अपने गार्जियन के द्वारा, गार्जियन को फ़ोन करके, वो फ़ोन लेकर आए हुए थे, उन्हें फ़ोन करके बुलाया। अच्छा, उन जो छात्राएं पीटी है वो थाने गई थी, उनका आरोप ये है कि हमें बहुत बुरी तरह मारा गया, गला भी दबाया गया और अंगूठा भी तोड़ा गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ विद्यालय में, ऐसे मेरे विद्यालय में। अच्छा, कुछ नहीं। एक आरोप और वो लगा रही है कि हमें सिर्फ मुस्लिम होने के नाते पीटा गया। नहीं, मेरे विद्यालय में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे विद्यालय में आप ये मान लीजिए 80% लड़कियाँ जो है मुस्लिम ही हैं, और मुस्लिम टीचर भी हैं मेरे यहाँ। ऐसा नहीं है कि सरकारी भी हैं मुस्लिम, और वित्तविहीन में भी मैंने मुस्लिम टीचर रखी हुई है। उसका नाम है मेरा, और मैं 12th क्लास में हूँ, साइंस साइड से पढ़ती हूँ, और हम आज कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? शकुंतला कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं, चांदपुर। और हम गई नहीं थे, लेकिन हमें कॉल करके बुलाया गया और कि फॉर्म जमा करने के लिए आ जाओ। और हमें पहले तो एक मैम ने मारा है, और शालिनी मैम ने, फिर दोबारा प्रिंसिपल आई पूनम अग्रवाल, उन्होंने इतनी जोर जोर से हाथों पे डंडियां बजा दी और मेरे हाथ की हड्डी भी तोड़ दी, उन्होंने इतनी जोर जोर से मारा। थाने में तहरीर दी आप लोगों ने? जी दी, बाबे लिखवा कर आ रहे हैं।